नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय बल्लेबाजी.com ऐप। माय नेम इज पारितोष जोशी। आईपीएल का आगाज हो चुका है। आईपीएल का ये 14th सीजन है 2021 में, और जो तीसरा मैच है वो खेला जाएगा केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मैच होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स खेलेगी एयन मॉर्गन की अगुवाई में, जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं 2019 में अपनी टीम के साथ। और वहीं डेविड वार्नर लीड करेंगे सार एच को, जो कि ऑस्ट्रेलियन है, एक बहुत खतरनाक बैट्समैन है। लगातार 500 रन से ऊपर रन बनाने का आईपीएल उनका रिकॉर्ड है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैचअप है। दोनों ही टीम्स बहुत इंटरेस्टिंग है। केकेआर पिछले साल प्लेऑफ्स में अपनी जगह नहीं बना पाई थी, लेवल ऑन पॉइंट्स जाके रन रेट के चलते थोड़ा पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार इस टीम को फिर से एक बार उम्मीदें हैं कि वो प्लेऑफ में जगह बनाकर एक बार फिर आईपीएल का खिताब जीत पाए। केकेआर की अगर बात करें तो उनके पास कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमें प्लेयर्स देखने मिल रहे हैं। दिनेश कार्तिक का प्रैक्टिस फुटेज सामने आया था, जिसमें वो अच्छे रन्स करते हुए दिख रहे थे। एयन मॉर्गन अपने आप में काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। उसके अलावा यहाँ पर आंड्रे रसल का फायर पावर होगा, सुनील नारायण जैसे खिलाड़ी इनके पास हैं, और यहाँ पर बहुत सारे और खिलाड़ी हैं जो लोकल होम ग्रोन टैलेंट हैं। आप अंडर 19 से आए हुए शिवम मावी की बात करें, जो लगातार इंप्रेस कर रहे हैं पिछले 2 सीजन से केकेआर में। वहीं अगर सनराइज हैदराबाद की बात करें तो अपने आप में काफ़ी कंप्लीट टीम लगती है। बैटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो जॉनी बेस्ट और डेविड वार्नर की अगुवाई में ये ओपन करते हैं, और लगातार इन्होंने रन्स किए हैं दोनों ही बैट्समैन ने। एक बार फिर उम्मीद ये रहेगी ये इंग्लिशमैन और ऑस्ट्रेलियन की जोड़ी फिर से रन्स करेगी एसआरएच के लिए। वहीं अगर उनकी बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर उनकी पेस अटैक को लीड करेंगे। उनके साथ संदीप शर्मा होंगे, नटराजन होंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच बनता दिख रहा है। और उसके अलावा जो दिक्कतें हैं इस टीम के साथ वो मिडल ऑर्डर में दिखती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मिडल ऑर्डर थोड़ा खोखला सा है, उसमें कुछ कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि टीम स्लिप अवे करती लग रही है। लेकिन वही सेम चीज आपको देखने मिल सकती है केकेआर के साथ, क्योंकि केकेआर भी टॉप सीटर भी लग रही है। जो पिछली बार गलतियां हुई, क्या उससे सीखते हैं, उसको चेंज कर पाएंगे, ये देखना मजेदार होगा। अगर आप ये मैच देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप मुझे लगता है कि केकेआर और एसआरएच के बीच टोटल आईपीएल मीटिंग्स 19 बार हुई हैं, जिनमें से 12 बार केकेआर जीती है और सिर्फ 7 बार सनराइज हैदराबाद। तो ये एक बार फिर केकेआर का पलड़ा भारी है एक ऑपोजिशन के अगेंस्ट। तो ये इंटरेस्टिंग होगा, क्या केकेआर एक बार फिर टॉपल कर पाएगी एसआरएच को, या फिर सनराइज हैदराबाद की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप काउंटर करेगी केकेआर को। फैंटेसी टीम्स के शौकीन हैं, फैंटेसी टीम्स अगर आप बनाते हैं और आपको पसंद है ये ऐप्स, तो डाउनलोड करें बल्लेबाजी.com ऐप। आप इस पर टीम्स बना सकते हैं, फैंटेसी टीम बनाएं, अपना 11 हमें बताएं कमेंट्स में, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कैसे आपकी टीम हो सकती है थोड़ी बेहतर। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो ये मैच खेला जाएगा उसी पिच पर जिस पर MI और RCB का मैच हुआ चेन्नई में। तो पिच लगभग सिमिलर होगी, बहुत ज़्यादा रन्स एक्सपेक्ट नहीं करे जा सकते, और 170 करीब का स्कोर मेरे हिसाब से एक विनिंग स्कोर होगा। अगर आप ये मैच खेलेंगे तो अपनी प्लेइंग 11 ज़रूर बनाएं बल्लेबाजी.com पर, और फिर हमें बताएं कमेंट्स में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।